ये आप देख सकते हैं सामने हमारा देवघर रेलवे स्टेशन। ये हम लोग आ चुके हैं बासुकी नाथ के बस स्टैंड में, मतलब यहाँ देख सकते हैं यहाँ से आपको रामपुर हाट पटना आकर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल खामखा व्लॉगर में। तो इस टाइम हम हैं देवघर रेलवे स्टेशन पे और इसका स्टेशन कोड है DGHR। हम यहाँ से आज जाने वाले हैं बासुकीनाथ, क्योंकि पिछले वीडियो में आपने देखा कि बाबा को हमने जल चढ़ा दिया था। तो कहते हैं ऐसा कि जब तक बासुकीनाथ दर्शन ना किया जाए तब तक ये यात्रा पूर्ण नहीं होती है। तो कल बाबा को जल डाल दिया था और आज हम निकल रहे हैं बासुकीनाथ। वैसे तो बस का भी ऑप्शन है पर मैं जा रहा हूँ ट्रेन से। तो लगभग 11:30 बजे यहाँ से ट्रेन खुलती है, जसीडी दुमका पैसेंजर में उससे जाने वाला हूँ। तो अब स्टेशन के अंदर चलते हैं क्योंकि टाइम एकदम हो चुका है और स्टेशन पे इंतज़ाम आप देख सकते हैं, स्टेशन पे इंतज़ाम प्रॉपर है। चलते हैं ट्रेन के अंदर और मैं आपको बता दूं कि मात्र 10 रुपये में मैं जा रहा हूँ। साधारण का किराया लगता है, जनरल का किराया लगता है, मात्र 10 रुपये में मैं जा रहा हूँ आपको देवघर से लेके बासुकीनाथ तक। और ये जर्नी हम ट्रेन में करने वाले हैं। ट्रेन में चढ़ के सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि किस किस समय पे आपको ट्रेन मिल जाएगी, एकदम आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी स्टेशन में देख लेते हैं क्या क्या व्यवस्था है। ये आप देख सकते हैं सामने हमारा देवघर रेलवे स्टेशन, जय भोलेनाथ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यवस्था कांवड़ियों के लिए की गई है। बाकी स्टेशन पर एंट्री कुछ ऐसा है, अभी भीड़ भाड़ नहीं है, बिल्कुल खाली है। अभी सावन स्टार्ट हुआ है तो उतनी भीड़ अभी नहीं चल रही है देवघर में। कल हमने जल भी मात्र 10 मिनट में मैं कह सकता हूँ डाल लिया था। अब स्टेशन के अंदर चलते हैं और एक नंबर पर ही हमारी गाड़ी आने वाली है। और स्टेशन में आप देख सकते हैं बिल्कुल भीड़ भाड़ आज के डेट में तो नहीं है। और गाड़ी में बोर्ड करते हैं, टिकट हमने ले लिया ऑनलाइन, मैंने टिकट ले लिया, 10 रुपये का टिकट लगता है इसमें। स्टेशन के अंदर चल के बाकी चीज़ें हम देख लेते हैं। और दो प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, एक नंबर, दो नंबर और तीन प्लेटफॉर्म का स्टेशन है देवघर। DGHR का स्टेशन कोड है। और अभी तो दो नंबर पर साइड कोई नहीं है, वो दो नंबर साइड हो गया जो जसीडी जा रहा है, और ये एक नंबर पे हमें जिधर से हमें दुमका की साइड और रांची की साइड गाड़ी जाती है, तो जसीडी से हमारी ट्रेन आएगी उस तरफ से ही आएगी और हम जाएंगे सीधा इस तरफ और बासुकीनाथ तक हम जर्नी करेंगे। एक घंटे लगभग हमारी जर्नी होने वाली है। इधर रेलवे स्टेशन पर आपको जलपान के लिए व्यवस्था मिल जाएगी, यहाँ पर छोटा सा कैंटीन है, इनके पास पेटीज़ वगैरह अवेलेबल है, चिप्स बिस्किट सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, पानी वगैरह चाय भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं वेज पेटीज़। कितना भैया, 25 रुपये बोल रहे हैं? तो और पनीर कितने का है? पनीर 30 का, पनीर 30 का और वेज पैटीज़ है 25 का। फ्रेश है ना भैया? तो ताज़ा पैटीज़ आप देख सकते हैं। फाइनली हम लोग अभी निकले हैं देवघर से। लगभग आप लगा लीजिए कि 40 मिनट हमारी गाड़ी लेट है, 40 क्या मान के चलिए 50 मिनट हमारी जो गाड़ी यहाँ पे लेट है। 11:30 का टाइम था निकलने का लेकिन ट्रेन लगभग 12:20 पर निकली है, 21 मिनट पर निकली है। और लगभग 43 किलोमीटर की दूरी होती है देवघर से लेके आपको बासुकीनाथ तक की। और टोटल 5 स्टॉप ये ट्रेन लेती है, 10 रुपये का किराया है भाई। और ट्रेन इस टाइम तो खाली है क्योंकि भीड़ नहीं चल रही है, इसलिए ट्रेन इस टाइम तो खाली चल रही है। और 1 घंटा लगभग सफ़र लगने वाला है, तो वहाँ पहुँच के बाबा के दर्शन करेंगे, वो तो मैं आपको दिखाऊं भाई। फिलहाल हम निकले हैं यहाँ से और एक बार ट्रेन दिखा देता हूँ आपको, सीट वगैरह बैठने की व्यवस्था ठीक ठाक है ट्रेन के अंदर। और 1 घंटे में हम होंगे बासुकीनाथ। और बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक डेमू ट्रेन है, इसलिए इसमें सीट बैठने की आपको व्यवस्था मिल जाएगी। और 10 रुपये किराए में और क्या चाहिए भाई, 1 घंटे का सफ़र है। बस से भी जाएंगे तो लगभग 1 से 1.5 घंटे का सफ़र है। मैंने सोचा था ट्रेन टाइम से चलेगी तो लगभग 12:30 बजे मैं पहुँच जाऊँगा, और ट्रेन लेट है 1 घंटा देवघर से। क्या किया जा सकता है, इसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं। वापसी में मैं आपको बस की जर्नी दिखाऊँगा सीढ़ी तक की, वापस बासुकीनाथ से। फिलहाल ट्रेन से निकल चुके हैं, देखते हैं 5 स्टॉप, अगला स्टॉप है मोहनपुर, मोहनपुर में ट्रेन रुकती है। और फिलहाल देवघर से ज़्यादा भीड़ ट्रेन में नहीं चढ़ी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सीटें काफ़ी हैं, आप आराम से बैठने की जगह इस टाइम पर अगर आप आ रहे हो तो मिल जाएगी।
ट्रेन के अलावा जो हम जा रहे हैं लगभग 11:30 बजे आपको सुबह 5:40 पे, फिर सुबह 7:25 पे 11:30 की ट्रेन जिससे हम जा रहे हैं, और फिर शाम को 4:30 बजे, ये कुछ ट्रेन है। बाकी किराया आपको साधारण का ही लगेगा, तो मात्र आप कम पैसे में आप पहुंच जाएंगे। और ये जो रूट है ना, लगभग 43 किलोमीटर का रूट है, लेकिन ये रूट इतना सुंदर है, मैं आपको क्या बताऊँ। इसलिए स्पेशल मैं ये ट्रेन जर्नी करने आया हूँ आपके लिए, क्योंकि एक तो जानकारी बासुकीनाथ कैसे जाना है वो तो है ही, और ये अगर ट्रेन यात्रा कर रहे हैं तो आपको इस रूट की जो सुंदरता है, जो सौंदर्य है इस रूट में देखने का, वो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर के नज़ारे, और अगला स्टॉप हम पहुँचने वाले हैं वो है मोहनपुर। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मोहनपुर, और मोहनपुर एक जंक्शन है। मोहनपुर जंक्शन इसलिए एक लाइन तो दुमका के लाइन की साइड जा रही है, और एक लाइन हंसडीहा की साइड जा रही है, इसलिए मोहनपुर जंक्शन है। और स्टेशन का व्यू भाई गज़ब का है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ सामने आप देख रहे हैं ना, ये पहाड़ जो पहाड़ी रेंजेज है ये आपको देखने को मिलेगी। तो ये रूट मैंने आपको कहा ना, इस रूट को कवर करने का मेन मकसद यही है, इस बेहतरीन रूट के आपको नज़ारे देखे जाए। और बाकी मोहनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं, स्टेशन पे तो भाई बहुत कम लोग दिख रहे हैं, और यहाँ साइड में एक मालगाड़ी खड़ी है। स्टेशन उधर मोहनपुर जंक्शन आप देख सकते हैं उधर। और अब हम लोग मोहनपुर से निकल चुके हैं, यहाँ पे भी लगभग गाड़ी 10 मिनट रुकी, और ऐसा लग रहा है भाई गाड़ी का कोई माई बाप ही नहीं है। अभी भी लगभग 1 घंटा हम लेट चल रहे हैं, और गाड़ी ऐसा नहीं है कि टाइम रिकवर करना चाह रही है, पता नहीं कैसे कंट्रोलिंग हो रही है। तो इतनी देर में तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं बस से निकला होता ना, इतनी देर में बस से पहुंच जाता, पर ठीक है अभी तो 1 घंटा ही लेट है, आगे देखते हैं और लेट होती है या हमें अपने डेस्टिनेशन बासुकीनाथ पे 1 घंटा ही डिले से पहुँचाती है। और सामने जो आप देख रहे हैं ना रास्ते में, ये है त्रिकुट पर्वत पड़ता है, और यहाँ पर एक मंदिर भी है, और जहाँ पर कि जैसा एक यहाँ के व्यक्ति बता रहे हैं कि रोपवे वगैरह भी लगा हुआ था, आप रोपवे से जाइए, और त्रिकुट जो है पहाड़ के ऊपर मंदिर है ना, ये भी घूमने की जगह। रास्ते में अगर आप आए हैं समय निकाल के तो आप यहाँ भी कुछ समय बिता सकते हैं, घूम सकते हैं, और नज़ारा इधर का काफ़ी बढ़िया, आप देख रहे हैं ना काफ़ी बढ़िया नज़ारा है। और मौसम इस टाइम पर सुहाना है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, और रास्ते में हर तरफ आपको इस रास्ते में ना हरियाली दिखेगी, और बगल में आपको दिखेगा ये त्रिकुट पर्वत। अभी हम लोग निकल रहे हैं घोर मारा से, और यहाँ पे ट्रेन जो है ना 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, 10 ट्रेन ही रुकती है यहाँ पे। अगर बात की जाए घोर मारा की ना भाई, तो घोर मारा का पेड़ा बहुत फेमस है, पेड़ा बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का। अगर आप इधर आ रहे हैं तो यहाँ का पेड़ा टेस्ट करके देखिएगा। वैसे तो आपको देवघर के आसपास, देवघर जसवीडी, हर जगह पेड़ा मिलेगा, देवघर मंदिर बाबा धाम के आसपास बहुत सारा पेड़ा की दुकान मिलेगी, पर घोर मारा जो है ये फेमस है अपना पेड़ा के लिए। बिल्कुल 1 घंटा के लेट से हम लोग पहुंच चुके हैं अभी बासुकीनाथ, अब हम लोग जाएंगे मंदिर की तरफ, मैं जाऊंगा, और 4 बजे तक जैसा टाइमिंग था, देखते हैं टाइमिंग का क्या है। बाकी ट्रेन वाले ही वहाँ से 1 घंटा लेट चले, लेकिन रास्ते में और फर्दर लेट नहीं हुई, 1 घंटा में ही हमको पहुँचा दिया बासुकीनाथ। अब चलते हैं स्टेशन के बाहर। स्टेशन काउंटर पे डायरेक्ट टिकट की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। आपसे निवेदन है कि आपको जहाँ कहीं भी जाना हो, और पीछे की साइड जो है ना ये रिक्शा वाले ने उतारा है 20 रुपया, बासुकीनाथ स्टेशन से लिया है, और आगे रास्ता बंद है, तो यहाँ पे हम लोग पैदल जा रहे हैं मंदिर की तरफ। आप देख सकते हैं कि और भी काफ़ी सारे भक्त जो है ना मंदिर की तरफ जा रहे हैं। लगभग 2 किलोमीटर है, और 10 मिनट, हार्डली 10 मिनट लगा होगा। तो अभी तक तो मैंने आपको दिखा दिया कि आप कैसे जो है आप पहुंच सकते हैं बासुकीनाथ,
हम ट्रेन से आए अभी, फिर टोटो पकड़ के मंदिर तक पहुंच गए। और यहाँ पे थोड़ा जो है, जितना कि देवघर में जो है बम लोगों का जितना नहीं दिख रहे हैं, वह यहाँ पे कुछ भीड़ दिख रही है। और यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ शीघ्र दर्शन। तो शीघ्र दर्शन कैसे लेना, उसके लिए क्या चार्ज है, मैं आपको बता देता हूँ। और शीघ्र दर्शन में 2 से 5 मिनट, इससे ज़्यादा का समय आपको नहीं लगने वाला है। और गर्मी इस टाइम पे भाई काफ़ी ज़्यादा, एक गमछा मैंने ले लिया है। और क्या कहते हैं कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है, और जल ढारने के लिए भी क्या व्यवस्था है। यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए अलग यहाँ पे व्यवस्था की गई। वैसे मंदिर के अंदर भी जा सकते हैं, और यहाँ आप गर्भगृह में भी जा सकते हैं, बासुकीनाथ में आप गर्भगृह में जा सकते हैं। देखो शीघ्र दर्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम वापस चलेंगे जल चढ़ा के देवघर की तरफ, यानी कि जसीडी की तरफ। वापस से ट्रेन है हमारी और निकल जाएंगे देवघर से, यात्रा संपन्न करके पूरे देवघर और बासुकीनाथ की। एक बार देख लीजिए आपको कहाँ कहाँ से टोकन मिलेगा और कैसे आपको शीघ्र दर्शन करना है। तो व्यवस्था की बात की जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं ना, शीघ्र दर्शन प्रवेश द्वार इधर से, और डाक बम प्रवेश द्वार उधर से, और नॉर्मल जो नॉर्मल प्रवेश द्वार है, यानी जो नॉर्मल बम लोगों के लिए रास्ता है वो इधर से, यानी कि आप स्ट्रेट इधर जाएंगे तो इधर से आपको रास्ता मिल जाएगा अंदर मंदिर में जाने का, और इधर से आके आप इधर आएंगे, यही है बाबा भोलेनाथ का मंदिर अंदर में। और शीघ्र दर्शन का यहाँ से आपको टिकट कहाँ से मिलेगा अब ये मैं आपको बता। सामने आप देख सकते हैं जो सिंह द्वार है, इसके साथ में निकास द्वार भी है, और इसके साथ जो ये रास्ता गया हुआ है ना, इधर रास्ते में आपको मिल जाएगा शीघ्र दर्शन का टिकट। 300 रुपये टिकट का कॉस्ट है, और यहीं से आपको एग्जिट लेना है, अंदर में मंदिर है। और हमारा भी यहाँ पे दर्शन हो चुका है, शीघ्र दर्शन मैंने किया था, 300 का टोकन लिया था, साथ में एक पंडा बाबा जी भी थे और उन्होंने दर्शन करवा दिया। बाकी आप लगा लीजिए कि 10 मिनट में ओवरऑल मेरा काम हो चुका है बासुकीनाथ धाम में। और अब यहाँ से निकलते हैं वापस जसीडी की तरफ, और बाकी तो सब कुछ आपको है ही यहाँ पे, कुछ ज़्यादा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। बाकी हाँ, आपको रोड के दोनों साइड आपको दुकानें मिलेंगी, खाने पीने की दुकानें, ख़रीदारी की दुकानें, प्रसाद की दुकानें, सब कुछ आपको बहुत सारी दुकानें मिलने वाली है रोड के दोनों तरफ। तो ये हम लोग आ चुके हैं बासुकीनाथ के बस स्टैंड में, और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से आपको रामपुर हाट, पटना, कलकत्ता, पाकुड़, रामपुर हाट, आप देख सकते हैं ना तमाम जगह की बसेस आपको यहाँ से मिल जाएगी। और जो जसीडी और बाबा धाम की बसें हैं पीछे साइड लगी हुई हैं, एक बाई एक आपको हर 10 मिनट में एक बस यहाँ से मिल जाएगा, और हम अब सीधा बस में बोर्ड करेंगे। बाकी दर्शन वगैरह आपने देख ही लिया टोटल, की दर्शन कितना आराम से हो गया था बासुकीनाथ में भी, और वीआईपी दर्शन वीआईपी टोकन के द्वारा, मतलब जल्दी दर्शन हो गया था। एक्चुअली मैं बहुत थका था, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, लेकिन दर्शन पूरा करना था, बासुकीनाथ बाबा को जल चढ़ाना था तभी दर्शन पूरा होता। और दर्शन पूरा करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर बस स्टैंड में, अब वापस निकल रहे हैं यहाँ से, बस पकड़ता हूँ, बस का किराया बताऊँगा और सीधा मैं आपसे मिलूँगा जसीडी में। हालत बहुत ख़राब है, धूप एक तो बहुत तेज़ थी यहाँ पर, और क्या बताऊँ भीड़ भाड़ तो लगी हुई है। बस में बैठते हैं और पहुंचते हैं जसीडी। हम लोग बस में बैठ चुके हैं, मैंने बताया आपको हर 10 मिनट में बाबा धाम जसीडी जसीडी चिल्ला रहा है लोग, हर 10 मिनट आपको यहाँ से बस मिलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है बस का। और बताया 20 रुपये से मंदिर के बाहर से आपको मिल जाएगा रिक्शा, और हम लोग यहाँ पहुँच गए 20 रुपये में आपको बाबा ये बासुकीनाथ बस स्टैंड में। यहाँ से बस में बैठ गए, सीट आराम से मिल जाएगा, सीधा में पहुँचते हैं जसीडी। तो फाइनली अब हम लोग देवघर पहुंच चुके, बस जसीडी नहीं जा रही थी, 70 रुपये लिया किराया, लगभग 1.5 घंटा लग गया बस से। और बस में तो भीड़ भाड़ थी, मतलब सब सीट फुल थी, लेकिन हाँ सीट आप लीजिएगा तो 70 रुपये किराया लगेगा। और अब 20 रुपये यहाँ से जसीडी का मैं ई रिक्शा कर लूँगा, तो 20 रुपये में मैं पहुँच जाऊँगा जसीडी। तो ओवरऑल कुछ ऐसा सीन था, आप अगर बासुकीनाथ जाना चाहते हैं और वापस आना चाहते हैं सेम डे, तो भाई बहुत ईजी, आप आराम से जा और आ सकते हैं। तो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए।